रक्तदान का महत्व समझते हुए करीबन 73 बार रक्तदान करना, पर्यावरण को लेकर पौधारोपण और संगोष्ठी आयोजित करना, पर्यावरण स्वच्छता के लिए जन जागरण रैलियों का हिस्सा बनना, जी हाँ ऐसा ही कुछ करते आ रहे हैं भिवानी के राजेश डुडेजा। आपको बता दें कि राजेश डुडेजा को इनकी समाज सेवा के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। रक्त किसी मशीन में नहीं बनता, यह सिर्फ इंसान ही इंसान को दे सकता है। इसीलिए देश भर में घूम घूम कर जहाँ भी उन्हें सूचना मिलती है रक्तदान के लिए पहुँच जाते हैं। जी हाँ, भिवानी शहर के प्रमुख समाजसेवी और प्रोफेशनल फोटोग्राफर राजेश डुडेजा लगभग 25 वर्षों से रक्तदान कैंप में रक्त डोनेट करते हुए आ रहे हैं और लगभग 73 बार वो अपना रक्तदान कर चुके हैं। वहीं अनेक रक्तदान कैंप भी वो लगवा चुके हैं, जिसे लेकर उन्हें प्रदेश भर में अनेक संस्थाओं और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया है। राजेश डुडेजा रक्तदान के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी रहे हैं और उन्होंने भिवानी शहर में अनेक पार्क व सड़क चौराहों पर पौधारोपण किया है। पर्यावरण को लेकर अनेक संगोष्ठी भी वो आयोजित कर चुके हैं और अनेक जन जागरण रैलियों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प लिया है। आपको बता दें कि 1985 में जब उनके किसी परिवार के चहेते व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत थी तो उन्हें महसूस हुआ कि यह बेशकीमती चीज़ है और समय मिलने पर जीवन दान बन सकती है। इसी को लेकर उन्होंने ठाना कि अब कहीं से भी उनको किसी भी तरह की सूचना मिलेगी और यदि किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है तो वो तुरंत वहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद से उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें युवाओं के साथ मिलकर प्रदेश भर में रोहतक, करनाल, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा और अम्बाला इत्यादि अनेक शहरों में जाकर ज़रूरतमंदों को रक्तदान किया। इसी तरह उन्हें अनेक जगह पर सम्मानित भी किया गया। राजेश डुडेजा ने भी बताया कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने साथियों से जुड़े रहते हैं और किसी भी तरह से रक्त की ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पहुँच कर रक्तदान करते हैं। उनका रक्त ग्रुप ओ पॉजिटिव है और अन्य ग्रुप का भी रक्त अगर किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो वे अपने युवा साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और रक्तदान करते हैं। उनकी इसी खासियत की वजह से प्रदेश भर के अनेक संस्थाओं व राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्थाओं ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। नमस्कार, मैं हूं योगेश परमार और की टीम पहुंची है आज राजेश जुड़ेजा जी के यहां। राजेश जुड़ेजा जी ने 73 बार भिवानी में जो है रक्तदान किया है और रक्तदान कर जो है ज़रूरतमंद लोगों की जो है ज़रूरत पूरी की है और कहते हैं कि जो रक्त है वो किसी मशीन में नहीं बनता और रक्त से बड़ा कोई भी महादान नहीं हो सकता और इसी की एक जीती जागती मिसाल है राजेश जुड़ेजा जी। राजेश जुड़ेजा जी ने जो है देश और प्रदेश भर में घूम घूम कर जहाँ भी लोगों को जो रक्त की ज़रूरत होती है तो ये रक्त जो है उनको प्राप्त करवाते हैं। इनका जो है रक्त ग्रुप ओ पॉजिटिव है और इसके अलावा ये कई संस्था के माध्यम से युवाओं के साथ जुड़कर भी और तरह के ब्लड ग्रुपों को भी ज़रूरतमंद तक पहुँचाते हैं। तो राजेश जी, आपका हमारे चैनल में आज बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो कैंपेन चलाए, रक्तदान शिविर चलाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने 1984-85 में मेरे किसी रिलेटिव को ब्लड की जरूरत थी, उस समय मैं थोड़ा छोटा था तो ब्लड मिल नहीं पा रहा था, जैसे तैसे अरेंज हुआ था। तो मैंने तभी से ठाना था कि मैं हमेशा रक्तदान करूँगा और रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित भी करूँगा और करता ही रहूँगा। मैंने उस समय, उसके बाद 21 साल का होते ही मैंने रक्तदान शुरू किया था और आज तक लगातार रक्तदान करता आ रहा हूँ। अब मैं 73 बार रक्तदान कर चुका हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ ब्लड डोनर्स के, और जहाँ भी जिसको जरूरत होती है रक्तदान उपलब्ध करा देता हूँ और खुद भी जाके रख दे आता हूँ। इस तरह से बताते हैं कि आपने जो 73 बार भिवानी में कई संस्थाओं और कैंपों में रक्तदान किया है, तो किन किन संस्थाओं द्वारा आपको ये प्रेरणा मिली? आप किस तरह से जो है युवाओं को इससे कहा जोड़ते हैं? किस तरह के आपने कैंपेनियन रक्तदान के लिए चलाए और कहाँ कहाँ प्रदेश में आप जरूरतमंदों को रक्त पहुँचा पाए? मैंने भिवानी में जैसे रक्त की जरूरत पड़ी, भिवानी में पहले 450 यूनिट रक्त की महीने में ब्लड बैंक को जरूरत होती थी, नहीं हो पाता था, तो उस दौरान मैंने रक्तदान करना शुरू किया और मैंने कैंप लगाए और कैंपों और उन लोगों को भी कैंपों के लिए प्रोत्साहित किया और उनके कैंप लगवाए। कैंप लगाने से क्या हुआ कि हमारे भिवानी शहर को 480 यूनिट पर मंथ जरूरत पड़ता था, तो हमने 480 की एवरेज पूरी की और भिवानी में कभी ब्लड की दिक्कत नहीं आने दी। स्कूल कॉलेजों में जो प्रोग्राम हुए हैं उनके बारे में? स्कूल कॉलेजों में मैं जाता हूँ, NSS कैंपों वगैरह में बच्चों को संदेश देने की आप रक्तदान भी करें और पर्यावरण का ध्यान रखें, इधर उधर कूड़ा करकट ना फैलाएं
पर्यावरण शुद्ध रखें, क्योंकि पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। अगर आपने जीना है तो प्रदूषण से बचें, और प्रदूषण तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जी राजेश जी, जिस तरह से आपने जो है कैंप किए हैं, कैंप के माध्यमों से जो है आपको किन किन जो है महान विभूतियों ने रक्तदान के लिए प्रेरित किया, और कहाँ कहाँ से आपको सम्मानित किया गया, किस किस जगह पर आपने जो है रक्त डोनेट किया? मैंने रक्त डोनेट तो कई जगहों कर लिया प्रदेशों में, लेकिन मुझे भिवानी से महाराज चरणदास वेदनाथ जी महाराज, निरंकारी मंडल, अनुवर समिति, भारत विकास परिषद, ब्लड बैंक भिवानी और अन्य काफ़ी सैनी परिषद, भारत स्वाभिमान परिषद, मत शहीद मदन लाल डिंगड़ा समिति, पंजाबी जागृति मंच, कई लोगों का मेरा मुझे अच्छा योगदान मिला और लोगों ने मन लगा के मेरा साथ भी दिया, और उसी साथ देने की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और मेरा हौसला बढ़ाए रखा। राजेश जी, भिवानी से बाहर जिस तरह से बताया गया है, श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी जैसे करनाल जैसे इन शहरों में, दिल्ली नोएडा में भी आपने जो है प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया, तो उनके बारे में भी जानकारी? मैंने करनाल में मुझे बुलाया सुनील चोपड़ा जी ने, तो अच्छा लगा। कुरुक्षेत्र गया नायब सिंह सैनी जी ने, उनके यहाँ भी ब्लड डोनेट किया और उन्होंने अच्छे से सम्मानित किया। हरियाणा फोटोग्राफर संघ द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया जींद में, और नोएडा में भी सम्मानित किया गया। रिवाड़ी के अंदर रिवाड़ी फोटोग्राफर एसोसिएशन ने मुझे बुलाया और सम्मानित किया। बावल के अंदर बनवारी लाल जी सहकारिता मंत्री हैं जो, उन्होंने भी बुलाया और सम्मानित किया। मुझे अच्छा लगा कि लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं, और हमारे स्थानीय विधायक घनश्याम सराम जी ने भी मुझे सम्मानित किया, तो इसलिए खुशी बढ़ती है और मन करता है कि मैं डोनेट करूँ और मैं अपना काम करता रहूँ। राजेश जी, इस तरह की जो आपने मुहिम चलाई है, इसको लेकर आप आम जनता को और डोनेटरों को जो प्रोत्साहित हो सकें इस तरह के लिए, इस तरह के नेक काम के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी शहरवासी और प्रदेशवासियों से निवेदन है कि 90 दिन में आपका ब्लड यूनिट पूरा हो जाता है 21 वर्ष का होने के बाद, तो मेरी प्रार्थना है कि आप 90 दिन के बाद एक बार रक्तदान करें और रक्तदान कर किसी और की जान बचाएं और पुण्य कमाएं। रक्तदान करने से आपका रक्त में कोई कमी नहीं आती, ना कोई कुछ भी कम नहीं होता, आपको और ज़्यादा शक्ति मिलती है, आप ऊर्जावान बनकर दोबारा से अच्छे से कार्य करते हो। ये थे राजेश जुड़ेजा जी, जिन्होंने जो है रक्तदान करके कई बार प्रदेश स्तर पर और नेशनल स्तर पर जो है प्रस्तुति पत्र हासिल किए, और साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी इन्होंने विशेष कार्यक्रम किए थे। तो इन्हीं से सुने हमने इनके द्वारा किए गए कार्य के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट केशव भाटी के साथ योगेश परमार की रिपोर्ट। प्रमुख समाज सेवी व स्वर्गीय गायत्री देवी की चौथी पुण्यतिथि पर बीटीएम चौक निकट उनके निज निवास स्थान पर उनकी पुत्री संजू शर्मा द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर गिरिराज जागृति मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर एम एल